जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे आज फिर से ये मौका दिया अपना सत्संग शेयर कराने के लिए। और गुरु जी की सारी संगत को भी मेरा प्रणाम, और गुरु जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और मंदिर मैनेजमेंट के सभी सेवादार अंकलों का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे आज फिर से ये इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कराने के लिए, गुरु जी का सत्संग सॉरी शेयर कराने का ये मौका दिया फिर से, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु जी का सत्संग मेरा नहीं है, गुरु जी का ही सत्संग है, लेकिन उनके गुणगान करने का मतलब यही नहीं है कि मैं तो यही सोचती हूँ कि सत्संग गुरु जी का बोलना एक पूजा जब तक से बहुत बढ़कर है कि मैं कभी सोचती नहीं हूँ ना कि आज गुरु जी मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, तो गुरु जी मतलब कहीं ना कहीं से मुझे एनर्जी देने के लिए चाहे सत्संग शेयर करवाते हैं या सत्संग में बुलाते हैं। ये हमारे गुरुजी के वेज है हमें मतलब अपनी शरण में रखने के लिए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आज भी सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी ने मुझे अंकल से फोन करवाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। जबकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं कहती हूँ गुरुजी जैसे भी बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे। संगत जी, मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मैं गुरुजी से 2006 में मिली थी, अप्रैल का मंथ था। मेरे अंकल को यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर था। तो संगत जी, 31 जनवरी 2006 में मेरे अंकल की ग्रोथ डायग्नोस हुई थी। उस समय तक हम गुरुजी को नहीं जानते थे कि गुरुजी कौन है और क्या है। उसके बाद हमने काफी जगह डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सभी का यही बोलना था कि इस ग्रोथ को रिमूव कराओ, जब ये ग्रोथ रिमूव होगी तभी कुछ पता चलेगा कि ये क्या है। लेकिन उस समय संगत जी, मेरे अंकल की एज बहुत कम थी, 28-29 ईयर्स की एज थी। तो घर में कोई भी डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं था कि इतनी छोटी एज में अगर ये ग्रोथ मैलिगेंसी निकली तो क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जनवरी से हमें पता चला, उसके बाद हमने अप्रैल तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। उतने बीच हम लोग बस यही करते रहे कि इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, जगह जगह हॉस्पिटल ही चेंज करते रहे, डॉक्टरों से मतलब कंसल्ट करते रहे, जबकि सबका यही बोलना था कि जब तक ये ग्रोथ रिमूव नहीं होगी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, 3 महीने ऐसे ही चलता रहा। अप्रैल मंथ में हम गाजियाबाद आए, मेरी सिस्टर लॉ का घर है गाजियाबाद। संगत जी, कोई मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। गुरुजी देखिए किस तरीके से बुलाते हैं, जब गुरुजी को किसी को ब्लेस करना होता है गुरुजी ऐसे माध्यम बनाते हैं। तो संगत जी, जब मेरा भाई सचिन अंकल भी गाजियाबाद में रहते थे, तो उनको उनके लिए जिस लड़की से मतलब आज तो गुरुजी की कृपा से वो मेरी भाभी हैं, शादी के लिए बात हुई थी, बात चल रही थी, तो उनके ऑफिस में प्रमला मेहता मैम गुरुजी की संगत थी, वो गुरुजी के पास जाती थी। गुरुजी ने उनको बहुत हेल्प ब्लेस की, आज वो गुरुजी के श्री चरणों में हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और उनकी फैमिली के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमेशा गुरुजी उनकी फैमिली को खुश रखना, जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा और जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। तो उन आंटी के थ्रू हम गुरुजी के पास गए थे। जिस दिन मुझे मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगी, जिस दिन मुझे अपनी भाभी को देखने के लिए जाना था, उस दिन मैं प्रमिला मेहता आंटी गुरुजी के पास अपने सभी इन्हीं एम्प्लॉयज को लेके जा रही थी। संडे या सैटरडे का दिन था, तो मेरी भाभी ने उनसे मना किया कि आज मैं नहीं जा सकती आंटी, मेरे को किस कोई रिलेटिव आ रहे हैं उनसे मिलना है। तो आंटी ने कहा नहीं, मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर आई हूँ, आपको मेरे साथ ही चलना होगा। लेकिन गुरुजी के वेज देखिए, ना वो आंटी मुझे जानती थी, ना मेरी जो भाभी है वो मुझे अच्छे से जानती थी कि मैं कौन हूँ क्या, कोई कंफर्म नहीं था कि उनकी शादी होगी या नहीं। लेकिन गुरुजी ने दोनों को ब्लेस किया, मेरे अंकल को भी और मेरे भाई की शादी को भी। तो फिर आंटी ने कहा उनसे कि नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, आज गुरुजी के यहाँ जाना है क्योंकि मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर आई हूँ। फिर मेरे भाई को उन्होंने फोन किया, तो भाई ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा उनसे कमिटमेंट है, लेकिन गुरुजी तो हमें बुलाना था। मेरी भाभी ने सीधे सीधे बोल दिया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, जो लोग आए हुए हैं वो डॉक्टर्स को यहाँ दिखाने आते हैं, उनके पास और टाइम नहीं है आंटी, मेरे को उनसे मिलना बहुत जरूरी है, मैं नहीं जा पाऊंगी गुरुजी के आश्रम। लेकिन आंटी ने जैसे ही सुना कि ये प्रॉब्लम है मेरे अंकल को, उन्होंने एकदम से बोला उनको भी गुरुजी के यहाँ ले चलो। संगत जी देखिए, गुरुजी को जिसको बुलाना होता है, जिसको ब्लेस करना होता है,
उसका ये नहीं है कि वो कोई किसी से जुड़ेगा तभी गुरुजी बुलाएंगे, गुरुजी अपने आप चलकर आते हैं। मैंने तो अपने मामले में कई मेरे गुरुजी से ऐसे एक्सपीरियंस है कि जो इम्पॉसिबल काम है ना, महाराज ने मेरे वो पूरे किए हैं। फिर संगत जी, जब उन आंटी ने मेरी भाभी से कहा कि उनको ले चलो, तो वो बड़ी हैरान हो गई कि जब हम ही गुरुजी के बारे में नहीं जानते तो मैं किसी दूसरे से कैसे कह दूं कि आप गुरुजी के यहाँ चलो। उसने मेरे भाई से कहा तो भाई ने कहा नहीं, हम नहीं कह सकते, इस बीमारी में डॉक्टर्स की जरूरत है, किसी गुरु या बाबा की जरूरत नहीं है। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी को बुलाना था, उन आंटी ने मेरी भाभी से नंबर लिया और हमें फोन किया और उन्होंने गुरुजी का महिमा सुनाई। लेकिन संगत जी, उस समय हम बहुत छोटी एज के थे, हमें कुछ भी गुरुजी की महिमा ना समझ में आई, ना हमने कोशिश की समझने की, क्योंकि गुरु बाबा इन सबके चक्कर मतलब बहुत अजीब से लगते थे कि हमें इनमें नहीं पढ़ना है। लेकिन गुरुजी की इच्छा थी हमें बुलाना, हमें ब्लेस करना। पता नहीं कैसे उस दिन हमारे घर में ही पापा ने बोला कि चले जाओ, क्या पता किसी महापुरुष की दुआ काम आ जाए, क्योंकि रास्ता कुछ दिख नहीं रहा था, चारों तरफ से हम बंद थे, ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था, दिन भर टेंशन ही टेंशन रहती थी कि करे तो करे क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं समझ आ रहा था। तो गुरु महाराज की इच्छा देखिए कि उनका पापा का बोलना हुआ, 4:30 के करीब उन्होंने हमें फोन किया संगत जी, और उन्होंने हमसे कहा कि आप एम्पायर स्टेट गुरु जी के वेलकम के टाइम से पहले आ जाना। उस समय ना फोन थे ना मोबाइल थे, बस लैंडलाइन पर हमारी बात हुई, उन्होंने हमें एड्रेस समझाया। हम बड़ी मुश्किल से एम्पायर स्टेट, उस समय इतनी दूर लगा हमें, 2006 की बात है, अप्रैल मंथ की, बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे, लेकिन महाराज के हम चरणों में पहुंच गए। और जब हम वहां पहुंचे संगत जी, उस समय पहुंचने के बाद मतलब कहना चाहिए कि एक डिवाइन ही हो रहा था गुरु जी का। और मैं अपनी बेटी को ले गई थी, करीब 1.5 साल की मेरी छोटी सी बेटी थी, मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी के यहाँ बच्चे अलाउ नहीं है। तो सेवादार अंकल ने गुरुजी के एम्पायर स्टेट में जो अंदर हॉल था उसमें बच्चे को एंट्री नहीं दी, उन्होंने कहा आप दोनों में से एक ही अंदर जाएगा। तो संगत जी, मेरे अंकल बेटी को लेके बाहर खड़े रहे और मैं गुरुजी के पास अंदर गई। जब गुरुजी आए अपने रेड चोले में, गुरुजी का एक डिवाइन ऑरा था, वो ऑरा ही कुछ और था। उसी समय ऐसा तो लगा कि कुछ अच्छी जगह आई हूं मैं, कुछ यहाँ है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि हमारे गुरुजी महाशिव है, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी का कैसे प्रसाद लेना है, गुरुजी से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बिल्कुल कुछ नहीं बताया आंटी ने हमें। अगर बताया भी होगा, मैं ये नहीं कह रही हूं, पर मैंने नहीं समझा कुछ भी कि आंटी ने क्या बोला। बस आंटी ने इतना बोला कि मेरी भी दोनों किडनी फेल है और महाराज की ब्लेसिंग से मैं चल रही हूं, जब मैंने डायलिसिस भी खत्म कर दी है, मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, और गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, तो आपकी तो ये छोटी सी ग्रोथ है, गुरुजी ब्लेस करेंगे, आप चलिए। लेकिन संगत जी, बोलना और समझ में आने में बहुत अंतर है, जब तक कि अपना आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस ना हो। हम पहुंच गए, गुरुजी इतने सुंदर चेवले में रेड कलर में आए, गुरुजी का ऑरा इतना सुंदर था, इतनी लाइट थी गुरुजी के चेहरे पर, गुरुजी इतनी मतलब इतनी अच्छी चाल में चल के आए कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस जगह हम आ गए हैं। और गुरुजी के पास बहुत वीवीआईपी पर्सन बैठे थे, हमें लगा हमें यहाँ कौन पूछेगा, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। लेकिन गुरुजी की निगाहों से ही हम ब्लेस हो गए संगत जी, जब सॉरी संगत जी, तो जब गुरुजी ने अपने आसन पे आके बैठे, गुरुजी एक ही निगाह से सबको ऐसे देख रहे थे। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ, खाली गुरुजी का हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, जो भी गुरुजी के थे ब्लेसिंग के तरीके वो सारे लिए, गुरुजी की गुणवाणियां सुनी उस समय। और संगत जी, खाली मैं वहां रोए जा रही थी, क्योंकि इतना मुझे याद है कि शायद आंटी ने बोला था कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, महाराज सब जानते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रही थी बात कि कैसे हमारे बिना बोले महाराज सब जान जाएंगे, लेकिन हम चुप थे, क्योंकि वहां कोई बातचीत होती नहीं थी, कोई किसी से बात नहीं करता था, कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता था, ना कोई बिना गुरुजी के बोले कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था। जैसे कि आज हम लोग सत्संग में बहुत कुछ बोल लेते हैं, मैं सोचती हूँ कि उस समय अगर कोई भी अगर थोड़ी सी भी हिंट देता तो शायद मैं भी जल्दी जल्दी गुरुजी के पास पहुंचती। लेकिन जो गुरुजी की इच्छा, जितना गुरुजी ने ब्लेस किया उसका बहुत बहुत शुक्राना, मैं इसका भी शुक्राना करती हूँ कि मैंने इन अपनी आंखों से, मेरे कुछ अच्छे पुण्य कर्म होंगे कि मैंने भगवान के दर्शन किए। गुरुजी ऐसा सबको ब्लेस करना, जिन्होंने नहीं देखा उनको भी, ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्होंने महाराज के दर्शन करें तो वो बहुत ब्लेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी की सारी संगत नई पुरानी एक है,
तो संगत जी फिर हमने सारा प्रसाद लिया, सब कुछ लिया। आंटी ने, मेरे अंकल इतनी देर बाहर ही रहे, लेकिन गुरुजी ने उनको पूरा ब्लेस किया। वहां भी सेवादार अंकल ने गुरुजी, मतलब कैसा उनको बताते, मतलब उनके दिमाग में पूरा गुरुजी के प्रति सब कुछ उन्होंने समझा दिया कि ये प्रसाद है, ये ऐसे लेना है वैसे लेना। जबकि मेरे अंकल बहुत गुस्से में गए थे उस समय, क्योंकि उनको विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन सब लोगों के कहने पे वो चले गए थे कि चलो चलते हैं। बाकी उनका कोई विश्वास नहीं था कि गुरुजी के यहाँ आश्रम में जाने में। मेरा तो भी फिर भी इंटरेस्ट था कि हाँ मैं कहीं जा रही हूँ तो कुछ अच्छा ही होगा, बट मेरे अंकल का कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए कि उनको जब सत्संग हो गया, उसके बाद आंटी ने कहा कि अब अंकल को भी अंदर बुला लो। जब गुरुजी प्रसाद देते थे तो आंटी कमला मेहता आंटी के आगे मेरे अंकल लगे, उन्होंने इसी तरीके से लगाया, हम लोग को पीछे लगाया, क्योंकि अंकल को मेरे को पता नहीं था कि गुरुजी के फीट नहीं टच करने। मैं तो वहां देख रही थी कि गुरुजी के दूर से माथा टेकते हैं, लेकिन जब अंकल की चांस आई तो गुरुजी ने मेरे अंकल ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने इनको क्या बोला आज ये महसूस करते, कंफर्म नहीं है कि गुरुजी ने इनसे ये बोला कुछ नहीं होगा, कल्याण किथा। आज ये वर्ड जब हम सत्संग सुनते हैं तब मेरे अंकल बोलते हैं कि ये वर्ड उस समय गुरुजी ने बोले थे, पर हम कल्याण किथा का मीनिंग ही नहीं जानते थे, ना हम पंजाबी जानते थे और ना हमें कुछ लगा, क्योंकि हम उस चीज को लेने गए थे। हमें लगा था कि गुरुजी हैं, गुरुजी कोई गंडा तावीज देंगे, गुरुजी कोई मंत्र बताएंगे, या गुरुजी कोई उपाय बताएंगे, या गुरुजी कोई चढ़ावा लेंगे। वहां तो कुछ था ही नहीं इस टाइप का, बहुत ही डिफरेंट दरबार था वो गुरुजी का। लेकिन जब आंटी ने, फिर गुरुजी ने आंटी से क्या बात की ये हमें नहीं मालूम। गुरुजी ने आंटी के कान में कुछ बोला, हमारे लिए बोला या आंटी के कुछ बोला ये नहीं मालूम। हम लोगों ने आइन में दर्शन मतलब माथा टेक के हम आगे चले गए, बट बाहर आके आंटी ने ये जरूर बोला, भैया उस समय अंकल आंटी नहीं बोलते थे, भैया आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, अब आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। तो मेरे अंकल की आंखें भर आई, हमें ये लग रहा था कि कुछ हुआ है नहीं और ये आंटी बोल रही है ब्लेस कर दिया, बस आप यहाँ आते रहना। हम चुप रहे क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, तो बोलना कोई राइट ही नहीं था, क्योंकि ना आगे पहले समझ आया ना गुरुजी से मिलने के बाद समझ आया कि हुआ क्या। लेकिन संगत जी जब वहां गुरबानी चल रही थी तो गुरुजी के साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ था, जो मुझे आज भी याद है कि जब गुरुजी के सामने मैं बैठ के रो रही थी केवल मन ही मन में, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कैसे अरदास होती है, कैसे गुरुजी को मानना है, कुछ नहीं पता था। बस गुरुजी ने मुझे अपनी निगाहों से बहुत तिरछी निगाह से देखा, और मतलब वो गुरुजी की जो निगाह थी वो ऐसी वाली थी जब मैंने उनसे मिलाई आके, कि जैसे कोई किसी को घूरता है इस टाइप से। शायद वो मेरे कर्मों को काट रहे थे, मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली क्योंकि मेरे समझ नहीं आ रही थी कि क्या है यहाँ की। लेकिन आज मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरे को एक नजर में उसी समय ही मेरे कर्म काट दिए थे। वो तो मेरे मतलब 90% गुरुजी ने काट दिए थे, वो 10% कस थे जो मुझे काटने थे, वो मेरे को गुरुजी के साथ रहकर कट गए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना उस समय को भी कटवाने का, और आज तक गुरुजी अपने चरणों में लगाए हुए, इसका बहुत बहुत शुक्राना। फिर आंटी ने बाहर आके जब अंकल से मेरे से कहा कि आपको ब्लेस कराया गुरुजी ने, आप भैया बिल्कुल चिंता मत करो, आप बस आते रहना, ठीक है। हमने बस समझ लिया और कुछ नहीं। हमने फिर मैंने अपने अंकल से कहा कि अंकल कि यहाँ पर ना अभी लंगर प्रसाद भी होता है। मुझे लगा कि शायद मेरे अंकल कहेंगे कि अब चलो बस हो गया, तो मुझे डाउट था कि सॉरी अंकल बोलेंगे अब मैं नहीं रुकता, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 10:30 बज गए थे उस समय। गुरुजी के टाइम में गुरुजी ने उस समय उषा सिंह आंटी को सत्संग शेयर करने के लिए खड़ा किया था, तो मुझे लगा कि ये कैसा सत्संग है, समझ ही नहीं थी। गुरुजी ने आंटी ने पूरा सत्संग शेयर किया लेकिन हमें नॉलेज नहीं थी। अब मुझे जब मैं उन्हें देखती हूँ, जब आंटी सत्संग शेयर करती है, तब मुझे याद आया कि ये आंटी तो उस समय भी सत्संग शेयर किया था आंटी ने, पर हमें गुरुजी ने ब्लैंक करके ही बुलाया था, ब्लैंक ही करके भेजा, हम नहीं कुछ समझ पाए। लेकिन चलो ठीक है, देर से आए लेकिन आज गुरुजी की बहुत कृपा है, जब भी कृपा थी बट गुरुजी की इच्छा थी, जैसे भी गुरुजी ने हमें रखा। तो फिर उसके बाद हम लंगर प्रसाद खाया हमने, बहुत मिर्ची वाला लंगर प्रसाद था, जल प्रसाद अंदर मिलता नहीं था, लेकिन चलो जो भी गुरुजी की इच्छा। उस समय गुरुजी का प्रसाद हमने खाया, एक थाली में 4 लोगों ने खाया, उस समय थोड़ा अटपटा लगा लेकिन अच्छा भी लगा, अच्छा लगा प्रसाद खा के। इतनी तेज हमारी भूख थी उस समय कि हमें लग रहा था कि हमें बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन गुरुजी की 2 रोटी प्रसाद से ऐसा पेट भर गया जैसे कि जन्मों जन्मों की भूख शांत हुई है। संगत जी उस प्रसाद में इतना अमृत था
कि समझ लीजिए कि वो प्रसाद की मतलब शांति आज भी महसूस होती है कि कुछ एकदम ऐसे ठंडक जैसी महसूस हुई गुरु जी का प्रसाद खाने के बाद। और मेरी बेटी को वहां दूध प्रसाद भी, वो बॉटल पीती थी तो दूध प्रसाद भी वहां प्रॉपर मिला, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि यहाँ इतना सब कुछ मैनेज होता है कि बच्चे का भी पूरा ध्यान रखा गया कि गर्मी का टाइम है उसे गर्मी ना लगे, बाहर ही चाहे वो रही लेकिन बाहर भी उसे प्रॉपर गुरुजी ने मतलब अपनी देखरेख में रखा। और सेवादार अंकल ने मेरे अंकल को बहुत कुछ गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी ने मेरे अंकल को उसी समय एक स्वरूप दिलवा दिया था छोटा सा। संगत जी उस समय स्वरूप भी नहीं मिलते थे, वो रेयर ही मिलते थे, वो भी गुरुजी की इच्छा थी क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि हम जल्दी जल्दी नहीं आ सकते क्योंकि मैं हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में रहती हूँ। तो फिर हमें गुरुजी ने एक स्वरूप दिलाया, तो उस स्वरूप को उस दिन से आज तक अंकल ने अपने पर्स में रखा जबकि हम बीच में गुरुजी को भूल चुके थे, फिर भी गुरुजी हमें अपने पकड़े रहे बायों से, उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद सरोजी फिर आंटी का फोन आया हमें गुरुजी की बर्थडे से पहले, 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है, फिर गुरुजी ने उनसे कॉल कराया तो आंटी ने हमें फोन किया कि भैया गुरुजी का बर्थडे आ रहा है आप 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे में आना। संजय जी 7 जुलाई के बर्थडे में हम गए, हम केवल इस उससे गए कि चलो बर्थडे में जा रहे हैं गुरुजी का बर्थडे है, इस उससे नहीं गए कि हमें कुछ गुरुजी से मिलने की कोई इच्छा है, बस इसलिए कि आंटी का फोन आया और गुरुजी को बुलाना था। हम बड़े मंदिर गए हैं संजय जी, हमने गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग ली, पर देखिए जैसे आज गुरुजी के सत्संग सुनते हैं तो महसूस होता है कि उसमें की संगत हम भी हैं कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं, हम गुरुजी के पास ना माथा जाते में टेक रहे हैं ना वापिस आते में टेक रहे हैं, जबकि आज लाखों में संगत है, उस समय लाखों में संगत नहीं थी तब भी हमें भीड़ लगी, हमने कहा इतनी भीड़ में हम ऊपर जाके क्या माथा टेकना, गुरुजी तो बाहर से ही दिख रहे हैं, यही से हाथ जोड़ दो। संगत जी ये भी गुरुजी की इच्छा होगी कि गुरुजी ने अपनी बर्थडे में बुलाया हमें, मतलब दूर से ही ब्लेस किया, कहते हैं ना कि मंदिर के पास पास से भी जो निकल जाता है गुरुजी उसको भी ब्लेस कर देते हैं, उसमें कि हम संगत हैं कि हम मंदिर में जाके ना तो गुरुजी से पहले माथा टेक रहे हैं ना वापस आने में माथा टेक रहे हैं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए कि मतलब इतने साल तक मेरी अंकल की ग्रोथ 2-2.5 साल एज इट बनी रही, ये बिना गुरुजी की ब्लेसिंग्स के कोई नहीं कर सकता। फिर हमने गुरुजी का लंगर प्रसाद भी लिया गुरुजी के बर्थडे में और इतना सारा हमने कुल्फी प्रसाद खाया, आज भी हमें याद है जैसे आज तो गुरु जी का मतलब प्रसाद एक पैकिंग में भी मिलने लगा एक लिमिट में, उस समय ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, तो हमने ये भी गुरु जी की इच्छा होगी कोई हमारा ट्रीटमेंट था, इतना कुल्फी प्रसाद खाया हमने, खूब सारा कुल्फी प्रसाद खाया और गुरु जी की खूब मौजें ली, लेकिन गुरु जी के पास नहीं गए, मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़े, मंदिर के एरिया में ही घूम रहे हैं चारों तरफ बट मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़े, और 12:30 बजे तक बड़े मंदिर के अंदर रहे। आंटी हमें लास्ट में मिलने भी आई कि आपने प्रसाद लिया, हमने कहा हाँ जी आंटी, उन्होंने कहा गुरुजी से आज्ञा ली, हमने कहा अभी नहीं ली, उन्होंने कहा गुरुजी से आज्ञा लेके जाना, उन्होंने फिर बोला दोबारा से मेरे अंकल के कंधे पे हाथ रख के गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया भैया, टेंशन फ्री रहो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ब्लेसिंग क्या है, अरे वो प्रसाद ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी कि वही खाके भी हम नहीं समझ रहे थे कि गुरुजी इसी दवाई से ही हमें क्योर कर रहे हैं। लेकिन जो गुरुजी की इच्छा हम वापस आ गए संगत जी, फिर आंटी का हम फिर अपने हल्द्वानी वापस आ गए गुरुजी के बर्थडे के बाद, फिर आंटी का 2-3 दिन बाद फिर फोन आया कि गुरु पूर्णिमा है गुरुजी बुला रहे हैं, संगत जी हम नहीं गए क्योंकि यहाँ से 2-3 दिन बाद जाना भी मुश्किल होगा और कुछ ये था कि हमारा वो कनेक्शन नहीं था जो गुरुजी बार बार बुला रहे थे, तो हम समझते, हमारी समझ बहुत छोटी थी, तो हमने कहा अभी तो हम 2 दिन पहले होके आए, हमने आंटी से कुछ नहीं बोला, हमने कहा जी आंटी, क्योंकि आंटी भी कूड़ा पॉइंट बोलती थी फोन पे और ना ही वो ज्यादा गुरुजी की कोई एक्सप्लेन करती थी। मैं आज यही सोचती हूँ आज ये मीडिया है सब कुछ है, हमें गुरुजी का गुणगान कितना ज्यादा सुनने को मिल रहा है, ये भी गुरुजी की एक प्लानिंग है, नहीं वरना ये नई संगत कितनी ब्लेस है जो गुरुजी का गुणगान मतलब फेसबुक के थ्रू या ये प्लेटफॉर्म इतने अच्छा गुरुजी का बन गया इसके थ्रू सारे सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, हमें भी इसी के थ्रू ही पता चला कि गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, अरे हम भी उसी में से थे तो गुरुजी ऐसे ब्लेस करते थे। लेकिन हम भी गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी से मिलने नहीं गए संगत जी, फिर उसके बाद उन आंटी का ना हमारे पे कोई कॉल आया, देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग, उस दिन 2006 जुलाई के बाद ना आंटी का कोई हमारे पास कॉल आया ना हमने कभी गुरुजी के पास जाने की इच्छा प्रकट की, ये भी गुरुजी की इच्छा होगी। फिर संगत जी एक बार और आंटी का फोन आया,
शायद गुरु जी के चोला छोड़ने से पहले, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन एक बार आया अंकल के पास कि आपको गुरु जी बुला रहे हैं। लेकिन संगत जी उस समय 2007 थी नहीं, जब तक मेरे अंकल का कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट था, हम लोग होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मतलब कोई भी बाबा पंडित कोई नहीं छोड़ा, सब कुछ उन्हीं में लगे हुए थे। लेकिन फिर हम गुरुजी के पास नहीं पहुंचे जब आंटी ने कहा गुरुजी बुला रहे हैं, शायद वो गुरुजी का चोला छोड़ने का टाइम था, लेकिन हम नहीं समझ पाए, हम नहीं गए। संगत जी उसके बाद 2009 आ गया था, हाँ 2009 सितंबर में हमारे अंकल की ग्रोथ रिमूव हुई, क्योंकि जब डॉक्टरों ने भी सबने मना कर दिया कि ये ग्रोथ एज इट बनी हुई है, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सारे ट्रीटमेंट फेल हो चुके, तो फिर डॉक्टर ने आखिर में कहा अब इसे रिमूव ही कराओ क्योंकि कोई फायदा नहीं हो रहा इतने टाइम इसे रखने से। देखिए गुरुजी ने दो लंगर प्रसाद में हमें इतना ब्लेस किया कि वो ग्रोथ 2006 से मतलब 2009 तक एज इट बनी रही और अंकल को कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ मेंटली टेंशन बहुत ज्यादा थी, थोड़ी दी थी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हमें लगता था हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, जिससे भी बात करते हैं वो ग्रोथ रिमूव कराने की बात कर रहा है और हम हिम्मत नहीं कर पा रहे। लेकिन गुरुजी की टाइमिंग बहुत अलग होती है, जब गुरुजी को जब जिस टाइम पे जो भी क्योर करना होता है गुरुजी वही रास्ता बना देते हैं। तो 2009 सितंबर में मेरे अंकल की ग्रोथ बत्रा हॉस्पिटल में रिमूव हुई। उस डॉक्टर को भी मतलब मैं तो कहूंगी कि उसके भी बोलने के इतने अच्छे तरीके थे, उन डॉक्टर साहब ने इस तरीके से हमें ट्रीट किया कि उन्होंने हमें इस गुड फेथ में ले लिया कि आपकी ग्रोथ जब 3 साल से ये एज इट बनी हुई है तो ये मैलिगेंसी नहीं है, आप बेफिक्र होके इसे रिमूव करा दो, शायद संगत जी वो 1% फिर डाल देते कि ये मैलिगेंसी हो सकती है तो फिर शायद हम फिर लौट आते। लेकिन उन डॉक्टर ने ये वाला फेट डाल दिया कि ये मैलिगेंसी नहीं है, आप इसे रिमूव करा दो। तुरंत संगत जी रिमूव कराई, बायोप्सी हुई, सब कुछ हुआ, वो ग्रोथ मैलिगेंसी निकली। संगत जी फिर हम डर गए कि अब ये मैलिगेंसी है, लेकिन मेरे अंकल की 18 इम्यूनोथेरेपी हुई। संगत जी वो बहुत पेनफुल वाला टाइम था, मेंटली फिजिकली इकोनॉमी तीनों चीज से हम मिल गए थे, पर हमें गुरुजी एक भी दिन याद नहीं आए। ये भी गुरुजी के कोई वेज है, मतलब 2006 में हम मिले, ना मुझे याद आए, ना मेरे अंकल को याद आए, ना मेरे भाई को, ना मेरी भाभी को, जबकि हम चारों लोग गुरुजी के पास गए, हम किसी को गुरुजी याद नहीं आए। और मेरी भाभी जहां जॉब करती थी उसने भी वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि उस बीच उनकी शादी भी हो गई, तो वो आंटी से भी उसका कनेक्शन खत्म हो गया, और वो आंटी से भी मतलब कोई उसका कांटेक्ट नहीं। मतलब गुरुजी ने जितना टाइम हमें अपने इसको ब्लेस करने के लिए बुलाना था तो वो आंटी माध्यम बनी, उसके बाद उन आंटी से भी हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा। फिर 2009 के बाद संगत जी कई साल बाद मतलब 11 तक मेरे अंकल का ट्रीटमेंट 2.5 साल करीब चला, वो थेरेपियां हुई, बहुत पेनफुल थी, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने वो 10% कष्ट हमारे कटवा दिए, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर 2012 हाँ फिर संगत जी 2012 आया संगत, जब मेरे अंकल का ट्रीटमेंट चल रहा था तो उस समय डॉक्टरों ने ऑन पेपर लिख दिया था कि मेरी बेटी तो थी कि हो सकता है ये थेरेपी हो रही है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट है, तो आपका दूसरा बच्चा ना हो तो आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना हमारे ऊपर। तो संगत जी उस समय तो हम एग्री हो गए कि कोई बात नहीं, और ना ही हमें चाहिए था क्योंकि उस समय लाइफ सेफ चाहिए थी, ये सब चीजें तो सेकेंडरी हैं। तो संगत जी 2012 में मतलब ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ना मैंने कभी सोचा था, ना मेरे अंकल की कोई मतलब ये था कि हमें दूसरा बेबी चाहिए, गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए या जो भी हो, गुरुजी ने वो मतलब मेरे को 2012 में बेटा भी ब्लेस किया, गुरुजी का अनंतम शुक्राना, वो तो मतलब कभी सोचा ही नहीं था। जब मेरे बच्चे की मतलब प्रेगनेंसी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी शुरू हुई तो मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि ये काम हो कैसे गया। कहते हैं ना गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद सारी चीजों को ऑटोमेटिक ठीक कर देते हैं। तो संगत जी 2012 में मेरा बेटा भी हुआ, और इस बीच हमारी इकोनॉमी इतनी हिल गई थी कि हम रेंट के मकान में आ गए थे, रेंट पे रहते थे, गुरुजी ने हमें इसी बीच बेटा होने के बाद ही मेरे को नया घर भी ब्लेस किया। तो संगत जी गुरुजी देखिए 1 by 1 कैसे ब्लेस करते हैं, जो हमने कभी नहीं सोचा। आज मैं ये सब चीजें इसलिए बोलती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग मेरी गुरुजी से ही शुरू हुई है। उस बीच तो मैं नहीं मानती थी कि ये सब गुरुजी ने किया है, क्योंकि मैं गुरुजी को भूल चुकी थी, मुझे याद ही नहीं थे कि कभी मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे। लेकिन 2012 में जब मेरा बेटा हुआ
बेटा होने के 1.5 साल बाद, जब 1.5 साल पे बच्चा बोलता है तो मेरे बच्चों को थोड़ी सी बोलने में दिक्कत आने लगी, क्योंकि उस समय जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे के साथ फैमिली का मिलना बहुत जरूरी होता है, और मेरा ये घर बनना था, मैं इस उस समय बच्चे को घर में अकेला छोड़ के, मतलब मैं यहाँ आ जाती थी, बच्चे की जो एक ग्रोथ होती है वो डेवलप होने के टाइम, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मेरी लापरवाही कीजिए या जो भी हो, जो भी मेरे साथ हुआ उस समय मेरे साथ, फिर वो एक इंसिडेंस ऐसा आया कि 1.5 साल बाद मुझे लगा कि मेरे बच्चे की ग्रोथ भी कम है और ये बोल नहीं रहा है, तो फिर मैंने डॉक्टरों के चक्कर काटने शुरू किए, फिर धीरे धीरे पता लगा कि इसकी स्पीच में प्रॉब्लम है। संगत जी 2012 में बेटा हुआ, 14 में अपने आप मेरे अंकल के मोबाइल में फेसबुक पे ये गुरुजी का स्वरूप आया, जब मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे बच्चे की क्या करूं, कोई कहता है कि अपने आप बोलेगा, कोई कहता है कि कोई बात नहीं अभी से दिखाओ तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन 2014 में जब गुरुजी मेरे अंकल के मोबाइल में आए तो मेरे अंकल ने मुझे दिखाया कि ये वही गुरुजी है, देखो जिनके पास हम गए थे। संगत जी इतने साल तक मेरे अंकल के पर्स में गुरुजी का स्वरूप था, हम देखते थे, ऐसा नहीं है नहीं देखते थे, पर कभी ना याद करा उनको, ना कभी उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की कि इनका पता करें कि गुरुजी है कहाँ। गुरुजी की इच्छा जो भी हो, जितने दिन गुरुजी ने अपने चरणों से मुझे दूर रखा उसका मुझे बहुत अफसोस रहा, लेकिन अब कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने सब कुछ मतलब दोबारा से दिखा दिया कि गुरुजी की ही टाइमिंग होती है हर चीज की, हमारा मन नहीं है जो हम अपने हाथ से कुछ या अपने मन से हम कुछ कर सके। जब अंकल के फेसबुक पे गुरुजी का स्वरूप आया, मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ये तो वही गुरुजी है, तो मेरे अंकल ने बस ऐसे ही नॉर्मली लाइक कर दिया, जैसे ही उस दिन स्वरूप को लाइक किया, संगत जी वो कंटिन्यूअस डेली, वो पेज डेली, मतलब सुबह हम जैसे ही मोबाइल खोलते वो डेली गुरुजी के दर्शन होने हमें शुरू हो गए। तब फिर मुझे लगा कि ये गुरुजी फेसबुक पे आ रहे हैं तो कुछ तो कहीं इनका जगह होगी, चलो पता करते हैं। फिर मैंने अपनी भाभी को बताया, उन्होंने भी सर्च किया, जबकि वो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में रह के भी गुरुजी उनको भी नहीं मिले इतने टाइम। ये देखिए संगत जी, जब गुरुजी को बुलाना होता है ना तो रास्ता भी वही बनाते हैं, जब गुरुजी को जितने दिन अपने से दूर रखना होता है तो वो बहाना भी वही बना देते हैं, ना उनको गुरुजी की कोई नॉलेज ना हमें कोई नॉलेज। फिर हमने गुरुजी को 14 में ढूंढना शुरू किया संगत जी, तो फिर हमें पता चला कि गुरुजी के मंदिर है, वही मंदिर है, आज भी गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद भी एडजस्ट सब कुछ चल रहा है, तो फिर हमें एक क्यूरियोसिटी सी हुई कि अब हमें गुरुजी के पास जाना है, अब कुछ भी हो अब तो गुरुजी के पास जाना है। संगत जी 14 या 15 आ गया होगा, फिर सबसे पहले मैं आगरा गई, जबकि आगरा भी हम हर साल जाते थे, मेरी सिस्टर का घर था, ना हम आगरा कभी दरबार गए ना हम दिल्ली कभी दरबार गए गुरुजी के, क्योंकि दोनों जगह मेरा कंटिन्यूअस जाना होता था, लेकिन गुरुजी ने नहीं बुलाना था तो हम नहीं गए। जब मैं आगरा दरबार गई तो सबसे पहली बार जब गुरुजी के दरबार गई, वो मेरी फीलिंग गुरुजी से मिलने की इतनी भयंकर वाली थी, जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत पुरानी चीज छूटी हो, मुझे इतना रोना आया कि गुरुजी आपने इतने दिन क्यों दूर रखा, ये क्या लीला थी आपकी कि आपने अपने से जोड़ के भी इतने दिन दूर रखा। लेकिन संगत जी उसी दिन से मेरा कनेक्शन गुरुजी से एक 1-to-1 वाला बना, जो मैं फील करने लगी। उन आंटी ने मुझे स्वरूप दिया, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, एक बस अंकल के पास ही था, आंटी ने स्वरूप दिया, उसी दिन स्वरूप पे जब मैं वापस आ रही थी गाड़ी में स्वरूप रखा, अमृत वर्षा हुई। संगत जी मार्च का दिन था, 6 मार्च, इतनी गर्मी नहीं थी कि वो मॉइस्चर हो, लेकिन मुझे अमृत वर्षा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने वो मॉइस्चर समझ के पोंछ दिया और गुरुजी हमारे घर आए। गुरुजी ने हमारे घर की इतनी नेगेटिविटी काटी कि मेरा छोटा सा बच्चा था उस समय 2 साल का या 2.5 साल का होगा, कि हमारे मंदिर में पूरा ग्लास डोर है, तो वो बच्चा खेलते खेलते जैसे उसने डोर को उसकी डोर की थोड़ी सी रबड़ निकल गई थी, वो लूज हो गया था, पर ऐसा नहीं था कि पूरा दरवाजा निकल जाए, वो मजबूत था। और मेरे अंकल भी घर में नहीं थे और अगस्त के करीब टाइम था, उस दिन भी किसी सेवादार अंकल का मेरे पास फोन आया था बड़े मंदिर से, वो भी अपने आप गुरु जी ने उनसे जुड़वाया, तो मैंने उनसे बड़े मंदिर में सेवा लेने के लिए बात की थी कि अंकल बड़े मंदिर में सेवा कैसे करते हैं, मुझे भी सेवा करने का मन है। मैं उनसे फोन पे बात कर रही थी और बच्चे ने पता नहीं कैसे मंदिर के पास जाके दरवाजे से टकराया, पूरा दरवाजा बच्चे के ऊपर आके गिरा, पूरा मतलब 6 फुट का ग्लास का दरवाजा बच्चे के ऊपर आके गिरा। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे,
उन अंकल ने भी एकदम कहा, आंटी क्या हुआ, फोन रखिए पहले बच्चे को देखिए। और मेरे होश उड़ गए कि इतना बड़ा कांच का दरवाजा बच्चे के ऊपर गिरा है, अब ये कैसे क्या होगा। लेकिन समझिए उसके पैर में बस इतनी सी खरोच आई, बहुत मामूली सी, पूरा कांच टूट के नीचे गिरा, बच्चे के इतनी सी भी खरोच नहीं आई। दो दिन तीन दिन पहले ही गुरुजी घर में आए थे, उस बच्चे के कष्ट गुरुजी ने पैरों में उसके इतनी सी चोट लगा के, थोड़ा घाव हुआ जरूर था लेकिन ऐसा वाला नहीं हुआ कि मुझे डॉक्टर के लेके भागना पड़े। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उस दिन सबसे पहले दिन गुरुजी की ये ब्लेसिंग मुझे महसूस हुई कि आज गुरुजी आपने इस बच्चे को बचाया। फिर उसके बाद संगत जी एक बार मेरे साथ स्कूटी पे मेरे साथ बच्चा जा रहा था, तो स्कूटी मैं जब पार्क कर रही थी तो चलती मैंने स्कूटी पूरी स्टैंड नहीं लगाई थी, इतनी देर में बच्चा पापा को देख के, छोटा ही था, चुगला बहुत ज्यादा था, ये स्कूटी से मतलब उतर गया और मैं स्कूटी पार्क नहीं कर पाई थी। और स्कूटी से उतरा, मैंने इसका हाथ पकड़ के जैसे साइड किया, स्कूटी मेरी कब में स्टार्ट हो गई, मेरा हाथ लग गया होगा एक्सीलेटर पे या जो भी होगा, स्कूटी स्टार्ट हो गई और मैंने जितनी भी वहां स्कूटर मोटरसाइकिल थे संगत जी सारे गिर गए मेरे से, मतलब मैंने इतनी तेज स्पीड में आगे स्कूटी मेरी चली गई। और बेटा मेरा ये सोच के कि मम्मी आगे चली गई, ये भी स्कूटी इसने पीछे से पकड़ लिया, संगत जी ये इतनी तेज मतलब जमीन में खिचड़ता हुआ आगे चला गया और जितनी भी मोटरसाइकिल स्कूटर सारे गिरे वो इसके ऊपर और ये मतलब उन सबके नीचे, और मेरी स्कूटी बहुत आगे जाके रुकी और जो लोग पास मार्केट में खड़े हुए थे उन सबको ये मालूम था कि मेरे चोट लगी है, स्कूटी गिरी है, किसी को ये नहीं मालूम था कि बच्चा नीचे दबा हुआ है। जब संगत जी सब मेरी स्कूटी खड़ा करने आए, मैंने कहा मेरा बच्चा नीचे दबा हुआ है इसे देखो। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जो भी स्कूटर मोटरसाइकिल गिरे वो इस टाइप से गिरे हुए थे कि ये बिल्कुल नीचे बिल्कुल सही लेटा हुआ था, स्कूटर मोटरसाइकिल दोनों आपस में टच करते हुए जैसे कोई हट टाइप स्टाइल से ऐसे सारे गिरे हुए थे। इसके हल्की फुल्की चोट आई, बाद में नील वील पड़े हाथ बात में, लेकिन इसके कहीं भी चोट नहीं। मैं इतनी घबरा गई जब हमने इसको अंदर लेके गए, इसके सारे कपड़े उतारे, किसी ने कहा कि इसकी पसलियां टूट गई होंगी, इतना पतला छोटा सा बच्चा है, इसके इसका हेड इंजरी हुई होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, इतने व्हीकल इसके पास ऊपर गिरे हैं। संगत जी उस दिन भी गुरुजी ने बच्चे को ब्लेस किया, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ये सब मंथ याद है, वो भी सेप्टेम्बर का मंथ था। उसी दिन मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया था, मुझे ये भी याद है। उसी दिन बच्चे को गुरुजी ने सेकंड बार फिर ब्लेस किया। कहते हैं ना गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके बहुत डिफरेंट है। फिर उसके इन सब दो इंसिडेंट के बाद फिर मेरा गुरुजी से एक कनेक्शन लेवल बहुत इस तरीके से जुड़ गया कि बस मैं दिन और रात गुरुजी गुरुजी ही करने लगी। फिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर में गुरुजी ने सेवा भी दिलवाई, वो भी माध्यम गुरुजी ने कैसे बनाया वो भी अचानक ही अंकल से कॉन्टेक्ट हुआ, उन्होंने सेवा दिलवाई, गुरुजी का बहुत शुक्राना। हम सेवा करने गए, गुरुजी की सेवा की इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ। संगत जी जब हम शुरू में जुड़ते हैं ना तो वो फीलिंग ही गुरुजी की बहुत अलग और एक अनोखी होती है, क्योंकि उस समय ना हम बिल्कुल जीरो माइंड होते हैं। जैसे जैसे हम लोगों से जुड़ने लगते हैं फिर ये लोग ही हमें इन चीजों से हटाने लगते हैं। मैंने तो यही सीखा है कि गुरुजी से जब हम जुड़ने लगे तो हमें लोगों का जुड़ाव थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि जब हम जाते जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे तो हमें गुरुजी से जुड़ने का टाइम उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि हम दुनियादारी में ही लगे रहेंगे। तो ठीक है कि हमें इस जीवन में आए तो हमें सब कुछ मतलब इंजॉय करना है, दुनियादारी भी देखनी है, सुख दुख में भी रहना है, लेकिन जो मैंने फील किया है कि गुरुजी से जुड़ने के लिए लोगों का जुड़ाव कम है तो ज्यादा ही अच्छा रहता है, जो मैंने फील किया। धीरे धीरे गुरुजी ने मेरी कनेक्टिविटी भी लोगों से कम की और मैं गुरुजी के पास उतनी ज्यादा जुड़ती गई। संगत जी फिर उसी बीच मेरे खुद के गले में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैं गुरुजी से उस समय मेरी गुरुजी की ऐसी वाली बातें चलती थी कि गुरुजी मेरे इतने माड़े कर्म थे कि आपने मुझे अपने से दूर रखा, एक दो बार तो बुलाते गुरुजी मुझे, ऐसा क्यों किया, आपने ही ब्लेस किया, आपने ही अंकल की हेल्थ ब्लेस की, आपने ही सब कुछ दिया, तो एक बार तो याद दिलाते कि मैं ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन हमारे गुरुजी सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। संगत जी उस समय मैं गुरुजी से कहती थी शायद गुरुजी आपने हमें जब जब बुलाया हम आपकी सेवा में नहीं हाजिर हुए थे तो शायद हम आपसे जुड़े ही नहीं थे, तो इसलिए मेरे अंकल मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हुए, इसलिए हो सकता है आपने हमें दूर किया हो, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत आई, ट्रीटमेंट बहुत लंबा चला और मतलब जो परेशानियां झेलनी होती है वो सब झेली, लेकिन वो फिर भी मैं कहूंगी आज कि वो 10% थी।
10% ही काटनी, इतनी भयंकर वाली हो गई थी कि गुरुजी नहीं होते तो वो हमसे नहीं कटती। लेकिन फिर गुरुजी ने क्या हुआ, थोड़े दिन बाद मेरे गले में नोडुल्स हो गए, मेरी वॉइस जाने लगी, मेरी आवाज बिल्कुल खत्म होने लगी। संगत जी, मैं जब अपने हल्द्वानी शहर में भी फिर थोड़ी बहुत संगत मिलने लगी, फिर हमने सत्संग स्टार्ट किए, गुरुजी ने करवाए, हमने क्या करे, गुरुजी ने किया सत्संग स्टार्ट कराए, हम हमारे थ्रू गुरुजी ने माध्यम बनाया हमें, हमने संगत बढ़ानी थोड़ी थोड़ी, गुरुजी ने अपनी संगत बनाई, तुम सत्संग करने लगे। उस समय मैं सत्संग शेयर करती थी, धीरे 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 मेरी वॉइस लॉस होने लगी और इतनी वर्ज वाली वॉइस हो गई कि मुझ पर बोला ही नहीं जाता था। संगत जी, मैं तो सत्संग भी नहीं जानती थी कि सत्संग करते कैसे हैं, सत्संग का गुरु जी की गद्दी कैसे लगाती, कुछ नहीं। उसी बीच और इंस्टाग्राम पे स्वातिपुरी आंटी गुरु जी के सत्संग करती थी, मैंने उनका पेज फॉलो किया और मैंने सारी कुछ गुरु जी की सेवा, गुरु जी का सिमरन, गुरु जी की सत्संग शेयर करना, सब कुछ मैंने स्वातिपुरी आंटी से सीखा। गुरु जी उनको बहुत ब्लेस करे। हमारी टीचर, गुरु जी कहते हैं ना, गुरु जी का एक स्कूल है, उसके टीचर भी होते हैं, गुरुजी सबकी स्टेज बनाते हैं। तो मेरी टीचर स्वातिपुरी आंटी थी उस समय, कहने को वो मुझसे एज में बहुत छोटी है, लेकिन गुरुजी ने उनके थ्रू मुझे अपनी सत्संग सेवा सिमरन करना सिखाया। मैंने उनके थ्रू सब कुछ सीखा, धीरे धीरे हमने सत्संग में भी वो फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे संगत जी मेरी वॉइस लॉस होने लगी और मैं जब डॉक्टर्स को दिखाने लगी, क्योंकि गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते, गुरुजी ने कहा तुझे लगता है तेरे अंकल को डॉक्टर ने ठीक किया है, तो तेरे भी गले में अब दो गांठे हो गई हैं, अब तू डॉक्टर से ठीक करा लो। तो संगत जी, मैं ईएनटी वालों पे बहुत गई, सबने मुझे यही बोला कि आपके गले में दो दो नोडुल्स है, और मेरा गला पूरा स्वेल हो जाता था, मैं पानी भी पीती थी तो उसमें भी मेरे पेन होता था और दिन पे दिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। सत्संग में भी मेरा सत्संग शेयर करना बिल्कुल बंद हो गया था, मैं गुरु जी का शुक्राना भी नहीं बोल पाती थी। धनतेरस के दिन मेरे अंकल का बर्थडे था, गुरु जी का अमृत वेला सत्संग किया, तब उस दिन मुझे फर्स्ट बार ये महसूस हुआ, संगत कहती थी, बहुत लोग कहते थे कि आंटी कहीं अच्छी जगह दिखाओ, आपकी आपकी कंडीशन दिन पे दिन बिगड़ रही है, लेकिन मैं गुरुजी की उस समय धुन में इतनी मगन थी कि मुझे अपनी ये बीमारी बीमारी ही नहीं लग रही थी। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि एक तो मैंने अंकल की केस में देखा कि बहुत टफ ट्रीटमेंट है, उसे सहन करना बहुत मुश्किल है, और दूसरा था मैंने ये सोच लिया कि अगर मेरे गले में कुछ होगा तो मैं बिल्कुल नहीं सहन कर पाऊंगी, क्योंकि मैं ना तो पेन सहन कर सकती हूँ ना ही मैं ट्रीटमेंट ले सकती हूँ। तुम जो होगा गुरुजी की इच्छा, जैसे रखेंगे गुरुजी रखेंगे, लेकिन गुरुजी अपने बच्चों को कभी निराश होकर नहीं लौटने देते, ये मेरा अपना पर्सनल सत्संग है। मेरे गले की हालत ये हो गई थी कि अमृत वेला सत्संग में जब गुरुजी का शुक्राना का टाइम आया तो मेरे मुंह से मैं शुक्राना शब्द बोल रही हूँ लेकिन बाहर वॉइस नहीं आ रही है। सब संगत खड़ी हो गई, सबने अरदास की कि गुरुजी दिव्या आंटी के गले को ब्लेस कीजिए, ये क्या हो गया कि इतना सत्संग शेयर करती थी कि आज ये आपका शुक्राना नहीं बोल पा रही है। संगत जी, उस दिन मुझे जरूर लगा कि मेरे गले में कुछ हो गया है, क्योंकि दिन पे दिन डॉक्टर्स ने भी यही बोलना शुरू कर दिया था कि आप बिल्कुल बोलना बंद कर दो, आपकी जब जब स्वेल आता है गांठें बढ़ जाती हैं, वो स्वेल हो जाती हैं और वो पूरी वोकल कॉर्ड को कवर कर लेती हैं तो वो आप बोल नहीं पा रही। संगत जी, 18 दिसंबर के दिन हमारे यहाँ एनुअल सत्संग था, उस दिन मेरे को बड़ा दुख हुआ कि गुरुजी आज के दिन मैं आपका गुणगान नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी बिल्कुल आवाज ही नहीं निकल रही है। लेकिन फिर भी आंटी ने एक ने अरदास की कि दिव्या आंटी दो शब्द बोलो, बोलो गुरुजी के लिए। मैंने बहुत हिम्मत करके बोलना शुरू किया, मेरे बोलने में शब्द ऐसे हड़बड़ा रहे थे, मैं मतलब कुछ बोल रही थी कुछ निकल रहे थे क्योंकि अंदर से मैं बोल रही थी, वॉइस बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने उस दिन मुझे बुलवा के मेरी वॉइस को क्योर किया। धीरे धीरे 18 दिसंबर के बाद, ये शायद 16 की बात हो गई थी, 2016 की बात है, 18 दिसंबर के बाद मेरी वॉइस, मैंने डेली गुरुजी का जल प्रसाद पिया, डेली गुरुजी के स्वरूप पे चंदन लगाया और अपने थॉट पे भी चंदन लगाया, और डेली जब भी गुरुजी के कहीं भी सत्संग हुए मैंने एक भी मिस नहीं किया। मैंने क्या मतलब, गुरुजी ने मिस नहीं कराए, गुरुजी मुझे बुलाते रहे, गुरुजी के लंगर प्रसाद और जल प्रसाद से ही संगत जी मेरा गला ब्लेस हो गया और मेरा गला इतना अच्छा हो गया कि मेरी वॉइस पूरी चेंज हो गई है। मतलब इवन मैं किसी से फोन पे बात करती हूँ तो मुझसे पहले कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी आवाज उस समय सुनी थी जब गला खराब था कि आपकी तो आवाज ही बिल्कुल चेंज हो गई है। तो गुरुजी हमारे क्या से क्या कर देते हैं। गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया
कि अब तूने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, मैं डॉक्टर का कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रही थी, तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरा गला ठीक है। और आज भी संगत जी शाम को 4 बजे से जो मुझे खांसी थी, आप यकीन नहीं करेंगे, जो मेरे यहाँ लोकल में लोगों ने आज देखा, मेरे को खुद लग रहा था कि मैं कैसे बोलूंगी। और गुरुजी का जल प्रसाद मैं अभी भी समय ग्लास में भर के बैठी हूँ कि गुरुजी आप ही उलवावे। और गुरुजी की कृपा देखिए कि मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, मुझे खांसी बिल्कुल नहीं आ रही, और नहीं तो वरना मैं एक शब्द नहीं बोल रही थी। आज भी मुझे बहुत भयंकर खांसी थी, दिन भर खांसते खांसते पूरा गला दुख गया है, लेकिन गुरुजी का जब गुणगान करना होता है ना, तो ये गुरुजी बुलवाते हैं, ये हमारी मजाल नहीं है कि हम दो शब्द भी बोल जाए। गुरुजी के सत्संग गुरुजी के ही बनाए हुए, ये हम लोगों के बनाए हुए नहीं है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने मेरे को मतलब खुद ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मुझे अब ये यकीन हो गया कि सब कुछ यकीन जब भी था संगत जी, लेकिन जब अपने पे आती है ना बात, तब इंसान ज्यादा महसूस करता है कि ये ऐसा होता है। अभी मैं 2-3 दिन से इतना लो फील कर रही थी संगत जी कि कुछ लोगों के कहने में कुछ मतलब कहते हैं ना, कुछ अपने ही लोग ही कभी कभी हर्ट कर देते हैं गुरुजी को लेके, जो नहीं जुड़े होते उनकी गलती नहीं है। जब तक वो गुरुजी से नहीं जुड़ेंगे वो गुरुजी को नहीं समझ पाएंगे। ये भी गुरुजी का टाइमिंग है सबको अपने चरणों से लगाने का। लेकिन संगत जी कभी कभी हम भटक जाते हैं, क्योंकि हमें सांसारिक जीवन में रहना है, लोगों के कहने का भी कभी कभी डर हो जाता है कि लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो संगत जी मैं 15-20 दिन से बहुत टेंशन में थी कि गुरुजी मैं आपकी संगत ही नहीं बन पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी संगत ही नहीं हूँ, तभी मुझे ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। ये हम लोगों के साथ कुछ ऐसा होने लगा कि मतलब सत्संग को लेके भी छोटी छोटी बातों में मतलब मेरे को खुद ऐसे लगने लगा कि ये सत्संग में क्या होने लगा है, क्योंकि आजकल जो मतलब नए पुराने में किसी का वो नहीं कर रही हूँ कि नई संगत या पुरानी संगत, सबने अपना अपना सत्संग का फॉर्मेट एक चेंज करना शुरू कर दिया, जिसको जो अच्छा लगने लगा है वो सत्संग को बना दिया। तो संगत जी मैं सत्संग में जाके थोड़ा सा ये सब बोलने लगी थी, लेकिन जब लोग नहीं समझते तो दुख होता है कि हमारे गुरुजी ने हमें क्या सिखाया था और अब क्या हो रहा है ये। लेकिन फिर मुझे कुछ टाइम ये लगने लगा, अभी की बता रही हूँ मैं 2-3 दिन पहले ही, कि गुरुजी चाह रहे अपने घर में बैठो शांति से, कोई जरूरत नहीं है किसी का ही सत्संग में जाने की। संगत जी ये मेरी अपनी पर्सनल थॉट थे कि मैंने ये सोचा, और ये भी सोचा कि गुरुजी मेरे को लगता है कि मैं आपकी संगत ना थी ना हूं, तभी मेरे को ये सब फील आ रही है, नहीं तो आपके लिए मुझे सत्संग में जाना है, मुझे लोगों के लिए नहीं जाना, तो मैं लोगों की चिंता क्यों कर रही हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हो गुरुजी के वेज, संगत जी आज जब विक्रम अंकल ने मुझे फोन किया, मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने मतलब ये दिखा दिया कि तू मेरी संगत है। क्योंकि मैं ये सोचती थी, मैंने अपने मन में ये भी सोच लिया कि अब मैं आगे से कोई गुरुजी का गुणगान नहीं करूंगी, क्योंकि सबको अपने तरीके से चलना है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमारे सत्संग गुरुजी के बार बार सुनने में भी लोगों को ये लगता है ये तो वही सुनाएंगी, हमारे सामने से ही लोग उठ के जा रहे हैं। तो संगत जी कहीं ना कहीं ये लगता था कि सत्संग की वैल्यू नहीं पता इन्हें, केवल इनको ये लगता है कि यही बार बार सुनाएंगी एक ही चीज को। लेकिन संगत जी वो गुरुजी सुनवाते हैं, अगर हम एक सत्संग को बार बार भी शेयर कर रहे हैं तो वो गुरुजी की वेज है, वो किसके लिए ब्लेस दे रहे हैं उस दिन। आज मैं नहीं जानती कि आज गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया होगा, इतनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी दी है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पे गुरुजी बुलवाएंगे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी उसके बाद मेरे को गुरुजी ने मेरे साथ दो मतलब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरा गला भी ब्लेस हुआ और गुरुजी ने मेरे अंकल को भी क्योर किया। उसके बाद संगत जी जब कोविड का टाइम आया तो मेरे अंकल को बहुत अंदर से ही कोविड स्टार्ट होते ही एक एंजाइटी होने लगी। उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि मुझे जरूर कोविड होगा जब फर्स्ट स्टेज आई, और उन्होंने इतना अपने अंदर इतना डिप्रेशन ऐसा बना लिया कि उन्हें घर से निकलने में भी डर लगने लगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, 22 मार्च, जबकि मुझे नहीं मालूम था जब तक कि 22 मार्च से लॉकडाउन होगा, गुरुजी ने मेरे माइंड में खुद ही डाला कि 22 मार्च से मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई, गुरुजी ने खुद ही सेवा कराई। 22 मार्च से गुरुजी ने रक्षाबंधन वाले दिन तक 5 महीने कंटिन्यूअस शाम को 2-2, 3-3 घंटे, क्योंकि हम लोग खाली हो चुके थे, घर में ही रहते थे सब, तो सत्संग करना सिखाया गुरुजी ने, एक सत्संग प्रॉपर करना सिखाया। मैं कहती हूँ गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी सब कुछ खुद सिखाते हैं, हमें किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने 5 महीने जो मुझे एक सत्संग सेवा सिमरन तीनों चीजें सिखाई,
और मुझे उस दिन के बाद गुरुजी ने मतलब घर में एक परमानेंट गद्दी भी लगवा ली। आज गुरुजी की मुझसे जो बनती है मैं सेवा करती हूँ, मैं इस लायक हूँ नहीं, मैं अपने मुंह से ये बखान नहीं करना चाहती कि मैं करती हूँ, पर जो मुझसे गुरुजी कराते हैं मैं उसको करती हूँ। शायद गुरुजी मुझे माफ करें अगर कोई गलती भी हो जाती हो, लेकिन मेरे से जितना बन सकता है मैं गुरुजी की सेवा करती हूँ। और मतलब गुरुजी से एक जुड़ने का एक अलग ही फीलिंग है जो मैंने अभी 5-6 साल में महसूस किया। संगत जी मैं किसी पहले मैं मतलब सोशल एक्टिविटी या लोगों से बहुत जुड़ी रहती थी, आज केवल गुरुजी से जुड़ने के बाद मतलब जो मेरा गुरुजी का साथ है, मुझे अब तीसरे लोगों की कोई बातों में ना इंटरेस्ट आता है ना मेरे को अब जाने में सही लगता है। मुझे लगता है बस जहां मेरे गुरुजी का गुणगान है, जहां महाराज की संगत है, बस वहीं जाएं हम गुरुजी, और दूसरी जगह ना जोड़ना और ना हमें वहां भेजना। क्योंकि जब हम गुरुजी में जुड़ जाते हैं ना, जब गुरुजी में लीन होने लगते हैं, तो संगत जी खुद हर चीज गुरुजी अपने आप ऑटोमेटिक वही माहौल बना देंगे, आपको उसी जगह भेजेंगे और सब कुछ अपने आप ठीक कर देते हैं। संगत जी अब मैं बताती हूँ कि जब कोविड का टाइम हुआ तो मेरे अंकल को कोविड हुआ नहीं हुआ ये नहीं मालूम, क्योंकि उन दिनों टेस्टिंग नहीं हुई थी, पर अंकल की बहुत ज्यादा हालत खराब हुई। उस समय भी पहली बार सत्संग शेयर करने की बात आई तो मैंने, जबकि अंकल का उस दिन यूरिन भी रुक गया, उनको प्रॉब्लम हुई, उनको यूरिन भी रुक गया। मैं बताती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में। मैं इतनी टेंशन में थी कि मैं कैसे गुरुजी का सत्संग शेयर करूँ। इसी प्लेटफॉर्म पे उस दिन मुझे सत्संग शेयर करना था, लेकिन गुरुजी की मतलब इच्छा के अनुसार मैंने हिम्मत करी और मैं गुरुजी का सत्संग शेयर किया। मैंने बड़ी स्पीड में सत्संग शेयर किया क्योंकि उस दिन मेरा बहुत टेंशन वाला दिन था, क्योंकि अंकल को शाम से यूरिन पास नहीं हो रहा था, उनको डर था और डॉक्टर्स उन दिनों बैठ नहीं रहे थे, और उनका उस साल मतलब 3 साल से तो अब चेकअप भी नहीं हुआ है जब से ये कोविड के बाद से। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक चल रहा है, गुरुजी को जब भेजना होगा तो चले भी जाएंगे चेकअप कराने। बट इनका चेकअप नहीं हुआ तो इनको बहुत डर था और यूरिन पास नहीं हो रहा था, इनको उसका भी डर था, पेन भी बहुत हो रहा था। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सत्संग शेयर किया उसी के तुरंत बाद अंकल टॉयलेट करने गए और अंकल को अपने आप मतलब टॉयलेट हो गया। गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग उस दिन मुझे महसूस हुई, क्योंकि उन दिनों डॉक्टर्स भी नहीं बैठ रहे थे, हमें ये चिंता थी रात के 11:15 बज रहे थे, क्योंकि उन दिनों सत्संग भी बहुत लंबे शेयर होते थे, कोविड का टाइम था तो मेरा टाइम भी 11:30 का था। तो मैं एक तरफ सत्संग शेयर कर रही थी और एक तरफ अंकल को देख रही थी कि गुरुजी इनको यूरिन हो जाए, इन्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुजी घर बैठे ही कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं, तो अंकल को थोड़ा ठीक हो गए, फिर इनको यूरिन पास हुआ, थोड़ा ये ठीक हुए। उसके बाद संगत जी इनका कोविड मतलब 2-2.5 साल इनके दिमाग में इतना ज्यादा सीवियर वाला बन गया कि इतना डरते थे कि घर से निकलने में डरने लगे। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी थी कि गुरुजी ने इनकी हर पल रक्षा करी। उसी बीच संगत जी अप्रैल में हम सबको कोविड हुआ, हम मतलब दिल्ली गए किसी काम से, तो हम सबको कोविड हुआ, केवल गुरुजी और मेरे अंकल यहाँ हल्द्वानी में थे। कहते हैं ना गुरुजी को पता है कि कौन इस चीज को झेल लेगा, कौन नहीं झेल पाएगा। अंकल को अप्रैल के मंथ में गुरुजी ने अपने पास यहाँ रखा और हम पूरी फैमिली दिल्ली गए और हम वहां कोविड में फंस गए, हमें कोविड हो गया। संगत जी इतना घबराए, हम इतना घबराए। मैं डॉक्टर नीलम आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी की इतनी प्यारी संगत है, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उस समय मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने मुझे बताया कि आंटी ऐसे ऐसे करो, और उन्होंने गुरुजी के थ्रू भी बताया कि आप सुबह दुखभंजनी पाठ भी चलाओ आंटी। संगत जी मैंने ये सब भी किया और हमारा कोविड मतलब इतना हल्के में निकल गया कि पता ही नहीं चला कि हम कैसे ठीक हो गए और हम अपने घर भी वापस आ गए। लेकिन हाँ डर बहुत था फैमिली में, सबको बहुत बहुत कुछ हुआ, बहुत दिक्कतें आई, लेकिन गुरुजी का साथ था तो सब ठीक होके आ गए। उसके बाद मेरी सिस्टर को आगरे में कोविड हुआ, उसे इतना ज्यादा सीवियर हुआ कि उसे मतलब खाली वॉमिटिंग और लूज मोशन कंटिन्यूअस 2 दिन ऐसे चले कि डॉक्टरों ने वेट एंड वॉच बोल दिया। ऑक्सीजन लेवल उसका इतना कम हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहे थे, केवल गुरुजी से अरदास, बस गुरुजी के अलावा कोई रास्ता नहीं था हम लोगों के पास, हम गुरुजी से बस अरदास करते थे। एक दिन मतलब ये वाली सिचुएशन हो गई उसकी कि मतलब मेरे जो जीजाजी अंकल वो भी होपलेस हो गए, उन्होंने भी कहा अब कोई रास्ता नहीं लग रहा इसका ठीक होने का, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रही थी, इतना ज्यादा मतलब उसकी हालत खराब हो गई थी और उसके लंग्स में वो बढ़ता जा रहा था जो भी कोविड का असर था। तो संगत जी जब मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी उसके अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, गुरुजी उसको ठीक करो।
संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसी समय नीलम आंटी ने सत्संग शेयर किया। मैंने कहा गुरुजी मुझे हिंट दो कि आपने मेरी बात सुनी है, मेरी अरदास सुनी है। तब नीलम आंटी जब सत्संग शेयर कर रही थी तो उन्होंने मुझे लाइव देखा, तो उन्होंने गुरुजी की कुछ बातें बता रही थी, तो उन्होंने एकदम मेरा नाम बोला कि इस समय दिव्या आंटी भी लाइव है, देखो वो भी अगर बताएंगी कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते थे, उनको भी गुरुजी ने ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी ऐसी छोटी छोटी मतलब हिंट देके समझा देते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूं, चिंता मत करो। संगत जी उसको टाइम बहुत लगा ठीक होने में, पर आज गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मतलब हमारी फैमिली में सबको हुआ, मेरे पापा को भी हुआ, मेरी भाभी को भी हुआ, लेकिन सबको परेशानियां बहुत बताई, लेकिन गुरुजी सबके ऊपर अपनी मेहरों वाला हाथ रखा, सबके ऊपर सबकी फैमिलियां ब्लेस रही, गुरुजी ने सबको सेफ रखा। गुरुजी सबका कल्याण करना, सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।